नमस्कार दोस्तों, कादर खान की हालत हुई गंभीर। अमिताभ बच्चन ने मांगी सलामती की दुआ। बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबको अपना फैन बनाने वाले कादर खान की हालत नाजुक है। कादर खान को बाईपैप वेंटिलेटर पर रखा गया है। 81 वर्ष के कादर खान पीएसपी के शिकार हैं, जिसके कारण उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। इसकी जानकारी उनके बेटे सरफराज ने दी। कादर खान की खराब तबीयत पर बिग बी ने दुआ मांगी और ट्वीट किया, कादर खान एक्टर और टैलेंट से भरपूर राइटर हैं। बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी सेहत के लिए दुआएं करें। सरफराज यानी कादर खान के बेटे ने बताया कि उनको जो डिसऑर्डर है उसके चलते उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें बाईपैप वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्हें निमोनिया के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम कादर खान की हेल्थ पर नजर रखे है। सांस लेने की दिक्कत की वजह से उन्हें बाईपैप वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि कादर खान की पिछले साल घुटनों की सर्जरी हुई थी, उसके बाद से उनकी हेल्थ में लगातार गिरावट देखने के लिए मिली है। कादर खान अपने बेटे सरफराज और बहू शाइस्ता के साथ कनाडा में रहते हैं। कादर खान को आखिरी बार 2015 में आई फिल्म दिमाग का दही में देखा गया था। कादर खान ने 1973 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी पहचान अभिनेता और लेखक के रूप में है। अमिताभ के साथ उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, हिम्मत वाला, कुली नंबर 1, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, खून भरी मांग, कर्मा, सरफरोश, धर्मवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों के उन्होंने संवाद लिखे। 2013 में कादर खान को उनकी फिल्मों में योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी नवाजा गया था।